हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष नप्ते, वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, संभाजीराव केंद्रे महाविद्यालय जळकोट. आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नप्ते. फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट स्किल्स एंड नॉलेज necessary for microbiology jobs. So all of you students interested in doing particular job in a pharmaceutical industry or food industry or any other microbiology related industry. लेकिन जब आपका BSc final हो जाता है या फिर MSc complete हो जाता है microbiology में या फिर biotechnology में, और अगर आपका pharmacy हो जाता है B farm और M farm, तो आपका जो एम रहता है, टारगेट रहता है, वो रहता है फार्मास्यूटिकल कंपनी या अदर माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड कंपनी में जॉब करना. लेकिन आप सभी को पता है कि जब भी कोई एड आती है फार्मास्यूटिकल कंपनी से हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री से हो और चाहे वो मिनरल वाटर इंडस्ट्री से हो, लेकिन वहां पे लिखा होता है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर और लाइक दैट. और जब आप फ्रेशर्स होते हैं तो आपके मन में यहाँ पे एक विचार आता है कि अगर हम यहाँ पे फ्रेशर्स है तो हमें एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा. ये आपके सबके फ्रेशर्स के मन में एक क्वेश्चन रहता है. और जब आप अप्लाई करने की सोचते हो तो वहां पर लिखा होता है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड, या फिर कैंडिडेट्स को कुछ ना कुछ साल का एक्सपीरियंस चाहिए. तो अगर आपको, लेकिन बहुत ऐसे कुछ कंपनियां भी है कि जहां पे जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है उन्हें जॉब दिए जाते हैं, लेकिन ये जो जॉब जॉब रहता है ये इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे के डिपेंड रहता है. तो इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड जॉब करना है तो आपको कौन से स्किल्स चाहिए और नॉलेज चाहिए, जो कि इंटरव्यू के ड्यूरिंग आप जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनसे आप ये कुछ, या फिर जो आंसर्स क्वेश्चंस वो पूछेंगे आपको उसका जवाब आप दे सकेंगे. तो आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि जब भी कोई एड आती है तो उसमें कुछ लिखा होता है जॉब प्रोफाइल या जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसमें सब कुछ लिखा होता है कि जब आपको जॉब मिल जाएगा तो आपको उस कंपनी में क्या क्या काम करना है. तो इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट्स क्या क्या है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, वो स्किल्स आपको एडॉप्ट करने चाहिए, सीखने चाहिए. तो इसीलिए ये आज का वीडियो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूं. और फ्रेंड्स, जरूर ये वीडियो आपको काम आएगा, आपका नॉलेज वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वही नॉलेज आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब आपको फायदेमंद रहेगा. तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नप्ते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोस यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. तो चलो देखते हैं ये क्या क्या स्किल्स होने चाहिए आपको पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए या फिर माइक्रोबायोलॉजी जॉब के लिए. तो ये कुछ एड्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, और एड्स में और जो एडवर्टाइज आती है कंपनी की उसमें मेंशन किया रहता है कि जब आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी तब आपका रोल वहां पे क्या रहेगा या फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा. तो ये एक एड है, पैनाशिया बायोटेक कंपनी की एड है, और इसमें जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम जो है वो है हेड ऑफ बायो एनालिटिकल लेबोरेटरी. लोकेशन एंड नंबर ऑफ पोजीशन दिया है, लोकेशन दैट इज लालरू पंजाब, एक पोजीशन यहाँ पे है. एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मगर यहाँ पे आपको क्या काम करना है, तो बायो एनालिटिकल लेबोरेटरी का हेड करके काम करना है, जहां पे आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्वालिटी एश्योरेंस भी वहां पे देखना है, एंड यू हैव टू वर्क क्लोजली विथ क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स
एज वेल एज कॉरपोरेट क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये कंसेप्ट आपको मालूम होने चाहिए। तो अभी इस वीडियो में जब मैं आज आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट वहां पे दिखाने वाला हूँ, लेकिन अगले वीडियोस में मैं आपको ये क्या है एक्चुअली, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस में क्या क्या करना पड़ता है, रेगुलेटरी अफेयर्स क्या है, या फिर कॉरपोरेट क्वालिटी एश्योरेंस क्या है और कैसे करते हैं, तो ये मैं अगले आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इसके लिए क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस जो चाहिए ये है PhD इन बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट। और यहाँ पे लिखा है उन्होंने 12+ ईयर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन बायो एनालिसिस, इन बायोटेक कंपनीज और इन क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इन पैथोलॉजी लैब्स। तो ये ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे उन्होंने उन्हें चाहिए, लेकिन ये कंसेप्ट अगर आपको मालूम हो जाए तो डेफिनेटली आपको जब 1-2 ईयर का अगर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो आप अगर फ्रेशर भी हो और आपको अगर नॉलेज हो तो आपको यहाँ पे जॉब मिल सकता है। तो ये अगली वीडियोस में हम देखने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, रेगुलेटरी अफेयर्स क्या है, या फिर कॉरपोरेट क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर और मैनेजर के, और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग दीज टैबलेट्स, सस्पेंशंस, ऑइंटमेंट्स और स्टेराइल प्रोडक्ट्स। देन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एरिया, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेशर भी होंगे और अगर आपको ये सब चीजों का अगर आपको आपके पास नॉलेज है, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलने में मतलब इजी हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हम सीखेंगे लेकिन अगले वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद ये और है ऑप्टिमस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एड, ये पिछले साल की एडवर्टाइजमेंट है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है पैकेजिंग एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन माइक्रोबायोलॉजी एंड प्रोडक्शन। और माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो मतलब डिपार्टमेंट में क्वालिफिकेशन चाहिए वो BSc और MSc इन माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, या फिर मास्टर ऑफ फार्मेसी इन बायोटेक्नोलॉजी। एक्सपीरियंस जो बोला है उन्होंने 0-2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक्चुअली क्या प्रोसेस होती है। तो ये अगर आपको मालूम हो जाए अच्छी तरह से, तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू वहां पे अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये एक एड है, फार्मा कंपनी वांटेड क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट टू क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, और ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट है, जूनियर एनालिस्ट की पोस्ट है, देन रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पे है। और ये इधर क्वालिफिकेशन उन्होंने दिया है, और उन मतलब माइक्रोबायोलॉजिस्ट को क्या क्या करना पड़ेगा, सो मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द सेम कैपेसिटी, एंड दैट माइक्रोबायोलॉजिस्ट शुड बी एबल टू परफॉर्म बायोलॉजिकल एसेस एंड एरिया मॉनिटरिंग, सो हियर दे आर मेंशन, फ्रेशर्स में ऑल्सो अप्लाई। लेकिन आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ये बायोलॉजिकल एसे क्या है, एरिया मॉनिटरिंग क्या है। तो ये कंसेप्ट हम अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में हम वहां पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे भी असिस्टेंट टू क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, मतलब जो क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर है कंपनी में, उसे हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए उन्हें चाहिए असिस्टेंट। और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए MSc और BPharm और इक्विवेलेंट। एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला है 1-3 ईयर्स। और जो काम करना है असिस्टेंट को वो काम क्या है, वैलिडेशन प्रोटोकॉल, उसके बाद प्रोसेस वैलिडेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, देन APR, कैपा एंड QA डॉक्यूमेंटेशन। सो ये नॉलेज उसको मतलब असिस्टेंट को, माइक्रोबायोलॉजी वाले कैंडिडेट को चाहिए। तो ये भी हम अगले आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं कि प्रोसेस वैलिडेशन क्या है, SOPs क्या है, वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स क्या है, और ये APR, कैपा या फिर QA डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये सब हम वहां पे देखने वाले हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है ये माइक्रो लैब्स लिमिटेड की, वॉक इन इंटरव्यूज, ये एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, वैलिडेशन, स्टेबिलिटी एंड QC रूटीन सैंपल एनालिसिस। तो ये हमें पता होना चाहिए कि वैलिडेशन क्या है, स्टेबिलिटी एंड QC रूटीन सैंपल एनालिसिस क्या है। और उसके बाद कैंडिडेट को ये नॉलेज भी चाहिए हैंडलिंग ऑफ HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी,
गैस क्रोमेटोग्राफी, डिसोल्यूशन एपरेटस, और ये मतलब ये इंस्ट्रूमेंटेशन का नॉलेज उन्हें चाहिए। उसके बाद दे मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन स्टेबिलिटी टेस्टिंग, वैलिडेशंस, देर आर एम एफ सी एनालिसिस, देन फैमिलियर विद कैलिब्रेशंस, कैलिब्रेशंस भी उन्हें आने चाहिए। मतलब जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे रहते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली काम करते हैं या नहीं, उसकी टेस्टिंग, उसकी चेकिंग, तो ये कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, ये भी हम अगले आने वाले वीडियोस में देखने हैं। और ये कंसेप्ट बा एनालिटिकल लैब एज वेल एज जीएलपी, जीएमपी, देन आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट्स, देन ओओटी, लैब इन्वेस्टिगेशंस, ये सब हम अगले अगले आने वाले वीडियोस में वहां पे देखने वाले। तो ये अगर आप कंसेप्ट आपकी क्लियर है, ये सब आपको पता है, तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू वहां पे अच्छा हो जाएगा। ये अरिस्टो फार्मास्यूटिकल की एड है सिक्किम की, ऑफिसर्स एंड केमिस्ट, तो ये उन्होंने मतलब क्या एक्चुअली नॉलेज चाहिए, IPQA, दैट इज इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन एज पर करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस नॉर्म्स, जिसमें वैलिडेशन है, क्वालिफिकेशन है, APQR है, कंट्रोल सैंपल्स है, स्टेबिलिटी स्टडी है। तो ये मतलब अगर कैंडिडेट को फ्रेश, चाहे वो फ्रेशर भी हो, तो उसको अगर ये नॉलेज है, तो डेफिनेटली कंपनी और जो एम्प्लॉय है वहाँ, एम्प्लॉयर है, तो ये फ्रेशर्स के बारे में भी सोचेंगे कि इसको जॉब देना है या नहीं देना है, क्योंकि नॉलेज तो उसके पास है, सो दैट विल बी बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट्स। देन यहाँ पे भी कन्वर्जेंट विथ हैंडलिंग ऑफ HPLC, GC और अदर QC इंस्ट्रूमेंट्स, देन गुड एक्सपोजर ऑफ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, देन प्रोडक्शन एंड पैकिंग ऑफिसर और केमिस्ट, सो दे हैव द नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल, पैकिंग, देन एक्सपोजर ऑफ ग्रेन्युलेशन, कॉम्प्रेशन। तो ये कंसेप्ट अगर पता रहेंगे फ्रेशर्स को भी, तो डेफिनेटली उसका फायदा उस कैंडिडेट्स को हो जाएगा। नेक्स्ट है शिल्पा मेडिकर की एडवर्टाइजमेंट है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की, और जो पोस्ट है, डिजिग्नेशन है एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर। क्वालिफिकेशन जो चाहिए MSc, बी फार्मसी और एम फार्मसी, एंड एक्सपीरियंस 5 to 7 years फॉर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, एंड 8 to 12 years फॉर असिस्टेंट मैनेजर। और जो जॉब मतलब ड्यूटीज करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये इस प्रकार की, नॉलेज ऑन एनालिसिस टेक्निक ऑफ फिनिश्ड डोसेज फॉर्म्स, ऐसे रिलेटेड सब्सटेंसेस, डिसोल्यूशन, देन एनालिस्ट शुड हैव दी एक्सपीरियंस इन कैलिब्रेशन ऑफ ऑल क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, देन ही शुड बी एक्सपर्टाइज इन हैंडलिंग ऑफ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस, देन OOT एज वेल एज स्टेबिलिटी डेटा। तो ये नॉलेज उस कैंडिडेट को अगर रहेगा, तो उसका फायदा उनमें हो जाएगा। और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर को क्या क्या नॉलेज चाहिए, ये दिया है, तो ये अगले आने वाले वीडियोज में हम देखने वाले हैं। धीरे धीरे मतलब छोटे छोटे पॉइंट लेके हम वहां पे ये नॉलेज हम देखेंगे। ये करंट कल की एड है, ये 2-3 दिन पहले की, वॉक इन ड्राइव, पैंटा साइफ मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड यूनिट 2 फॉर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड माइक्रोबायोलॉजी। मैनकाइंड फार्मा कंपनी की ये एड है, 11 जुलाई 2021 को ये इंटरव्यू है, और पोस्ट यहाँ पे है क्वालिटी कंट्रोल। ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है HPLC, GC, देन AAS, EV, तो ये हर चीज हम आने वाले वीडियोस में हम देखने वाले हैं। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस है, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव, और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब ये नॉलेज इनको होना चाहिए प्रैक्टिकली एज वेल एज थियोरेटिकली। ये माइक्रोबायोलॉजी की है, ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर, सो नॉलेज इन्हें क्या चाहिए ये पोस्ट के लिए, नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, वाटर एंड MLT टेस्टिंग, कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट, बायो बर्डन टेस्ट, देन माइक्रो लैब इक्विपमेंट कैलिब्रेशन एरिया। तो अगर ये नॉलेज ये माइक्रोबायोलॉजी कैंडिडेट्स को रहेगा, चाहे वो फ्रेशर भी हो, यहाँ पे एक्सपीरियंस कम बोला है उन्होंने 2 to 5 years का, तो मतलब यहाँ पे फ्रेशर्स का, फ्रेशर कैंडिडेट्स का कंसिडरेशन यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर ये इसको नॉलेज है अच्छी तरह से, तो कॉन्फिडेंटली अगर वो इंटरव्यू में आंसर देगा, तो डेफिनेटली ही विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर। तो इस तरह की ये अलग अलग एडवर्टाइज मैंने यहाँ पे दिखाई है, और हर एड में जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पर्टिकुलर डेजिग्नेशन की, इसका अगर नॉलेज हमें रहेगा, तो इंटरव्यू भी वहाँ पे अच्छा जाएगा, और आपको
जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आने वाले वीडियोस में हम ये कंसेप्ट के बारे में, अलग अलग कंसेप्ट के बारे में, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम सीखेंगे। तो इसीलिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू।